बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मोबाइल से वाइट बोर्ड वीडियो एनिमेशन बनाना, और अब हम इस वीडियो में सीखेंगे मोबाइल से किस तरह 3D और सिंपल लोगो बनाए जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स और शॉप्स के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए। ठीक है, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिससे मोबाइल से आप ना कर सकते हैं अर्निंग। तो इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट। सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट अ न्यू। इनमें से आपको डिफरेंट साइज नज़र आ रहे होंगे, इनमें से आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना है। मैं ये लोगो बनाना है, लोगो चूज़ कर लेता हूँ। लोगो का ये साइज़ आ गया है हमारे पास। इधर जाना है, हमने ये ग्रिड ख़त्म करने हैं। अगर आपने रखने हैं तो रख सकते हैं, ये ग्रिड पे कैंसिल कर देने। आपने अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो इधर टेक्स्ट पे आ जाएं। मैं इधर लिखता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग विद मिस्टर मलका। मैंने ये ऐड कर लिया, ये इधर आपको शो हो रहा होगा। ये इसका साइज़ हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें इस तरह। इसके अलावा अगर आपने एडिट करना हो इसे, इधर से आप कर सकते हैं, और फिर इधर से आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। मैं फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ, या नीचे चला गया मैं, ये इधर फ़ॉन्ट था मेरा फेवरेट, ये फ़ॉन्ट मैंने चूज़ कर लिया। ये इसे इधर रखा उठा के, और आगे चलते हैं। आगे आप इसका साइज़ इस तरह भी बड़ा कर सकते हैं, ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन मैं साइज़ रखता हूँ इतना फ़िलहाल। और मैंने अभी इसे करना है कर्व लोगो के लिए। इसे इस तरह कर्व कर सकते हैं, मुकम्मल भी ये गोल हो सकता है। ये मैं रखता हूँ इधर, इधर रखता हूँ मैं, और आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, ये इस तरह, इस तरह। लेकिन नहीं, मुझे तो रखना है इस तरह भाई। मैंने इसे इस तरह रख लिया, इसे हम इधर रखेंगे। और इसके अलावा आपको इस, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपने डिफरेंट लोगों के नीचे देखा होगा लिखाई हुई, लेकिन हमने तो रखना है इस तरह ना। ये इधर इसे इस तरह रख दिया। अभी मुझे कलर चूज़ करना है, मैं इधर से कोई भी कलर ले सकता हूँ, और इसके अलावा हम इधर नीचे से भी ले सकते हैं, इनमें से भी, ये आप देख रहे होंगे। मैंने अपने भी यूट्यूब के लिए लोगो भी इधर से ही बनाया है। इधर से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं इधर से तो मुझे कोई नहीं पसंद आ रहा, लेकिन मैं इधर से ये पीला कलर ले लेता हूँ। ये मुझे पीला चाहिए, ये मैंने पीला कलर ले लिया। मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और फिर हमने इसे करना है 3D। 3D अगर करना है तो ये 3D 100 तक जा सकता है। ठीक है, मैंने इधर से इसे 3D कर रहा हूँ। अभी हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह, लेकिन मुझे ये नहीं करना। और हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इसे हल्का सा तकरीबन 10 पे रख लेता हूँ, 10 पे नहीं 15 पे रख लेता हूँ। और
इसकी हमने ओपेसिटी कम करनी हो, कम भी कर सकते हैं, ये इसकी ओपेसिटी इधर से कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। और आगे हम इसे इस तरह भी आगे 3D कर सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन मुझे ये नहीं करना। फिर हम इधर इस पे आगे, हम इधर पहुंचे थे भाई, और फिर हमने इसे आउटलाइन देनी है। आउटलाइन हम इसे बहुत सारे तरीक़ों से दे सकते हैं, बहुत सारे रंगों में, ये आप देख रहे होंगे, लेकिन मुझे तो भाई इनमें से कोई भी आउटलाइन नहीं देनी, मुझे तो काली देनी है। मैं इसे काली आउटलाइन देता हूँ, ये मैं ज़्यादा हो गई थोड़ी, इतनी मैंने आउटलाइन दे दी। अभी आप इसे ह्यू भी कर सकते हैं इस तरह, लेकिन मुझे ह्यू नहीं करना, हल्का सा ह्यू करता हूँ, हल्का हल्का सा, हल्का सा और हल्का, हाँ इतना मैंने इसे ह्यू कर लिया। इसके बाद हमने आगे कोई भी पिक्चर लगानी है, लोगो लगाना है, ये आप इधर से लोगो लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो मेरा नेटवर्क नहीं चाह रहा इसलिए, लेकिन ये नहीं जाहिर हो रहे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बाकी कर लेते हैं। हमने अभी इधर से फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो पे आए, ऐड पिक्चर की डिवाइस गैलरी, और इसके बाद हमने लगानी है इधर से पिक्चर। भाई साहब ये हम पिक्चर लगा देते हैं, ये देखें आप इधर से पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड है तो इरेजर पे आके आप इधर से ऑटो रिमूव बीजी कर सकते हैं, और इधर से हमने इसे इधर हमने ये सेव कर लिए। हम इधर आ जाते हैं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने ये लगानी है, ये लगा ली, हाँ मैंने ये पिक्चर लगा ली है, और इसके बाद हम इसे भी 3D कर सकते हैं इस तरह। हम इसे भी इधर से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये 3D का आपको मैंने बताया ही है, इस तरह कर सकते हैं, और इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं, हल्की सी आउटलाइन भी मैंने दे दी है, और ह्यू मैं नहीं करूँगा क्योंकि खराब हो जाएगा सारा लोगो। इसके बाद अभी बारी आती है बैकग्राउंड की, ये थोड़ी सी पिक्चर नहीं सही लगी हुई, ये इधर आगे आगे हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड में हम लगाते हैं नीला बैकग्राउंड, भाई साहब ये चेक करें, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये नीचे भी बैकग्राउंड चाह रहे हैं, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये बैकग्राउंड लगा देता हूँ। ये हमारा इतना सा काम था, इससे हम बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर पे इसकी गिग बना रहे, और बहुत सारे लोगों वाले ऑर्डर मिल जाते हैं आपको उधर, और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इस ऐप का मैं नाम बताता चलूँ, ओ सॉरी, सेव का पहले ऑप्शन बता दूँ, इधर से हमने सेव करना है, हमने इधर जाना है, फिर डाउनलोड JPG, ये इधर डाउनलोड कर लिया। और ऐप का मैं आपको नाम बता दूँ, ऐप का नाम है LogoPit+, LogoPit, LogoPit+, PLUS, LogoPit+। फिलहाल के लिए।